सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। दिस इज नीतू राघव। सो इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। आप सभी को पता है कि एसएससी के पेपर में और बैंक के पेपर में, इवन कितने भी आप इंश्योरेंस के पेपर कोई अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई और पेपर अगर आप दे रहे हैं, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइस एसएससी के पेपर में जो होता है वो 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, बट जो बैंक के पेपर होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पर। एसबीआई पीओ का जो मेंस होगा उसमें आपको कम्प्लीटली जो एप्टीट्यूड होगा वो आपको जीआई बेस्ड ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कि जो डीआई को हम सोल्व करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, डीआई को आप जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपको कम से कम 2 से लेकर 20 तक के आपको टेबल आनी जरूरी है। ये नहीं है मस्ट है, बट अगर आपको टेबल याद है तो आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, क्यूब आप 10 तक कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको जो स्क्वायर होते हैं स्क्वायर की वैल्यू भी आपको वो याद होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको 2 से लेकर 30 तक तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको डीआई के अंदर काम आते हैं, जैसे आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस का जो कॉन्सेप्ट होता है, P&L का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आना चाहिए, एवरेज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से क्या होता है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें CISI की, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो SBIPO के पेपर में पूछी गई थी वो CI और SI पे बेस्ड डायरेक्ट DI पूछी गई थी, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो आप DI को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जो आपको DI में भी आपको आने चाहिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए, द पाई चार्ट ऑफ द गिवन ब्लो शोज द परसेंटेज ऑफ स्कॉलर्स इन द डिफरेंट डिसिप्लिन इन द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फॉर द ईयर 2016 एंड द टेबल सजेस्ट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे आपको 2 चार्ट्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है, दिस वन इज द पाई चार्ट एंड ये आपको एक टेबल गिवन है। इस पाई चार्ट के अंदर पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के आपको परसेंटेज ऑफ स्कॉलर्स गिवन है। ठीक है, टोटल जिनको स्कॉलर मिली है वो 6000 बच्चे हैं, 6000 है, और 6000 को इसने पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि 6000 में से 20% आर्ट्स के अंदर है, 15% कॉमर्स के अंदर है, फिर फिनेंस के अंदर है, 18% HR के अंदर है, मैनेजमेंट, R&D और साइंस, इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल स्कॉलर गिवन है। ठीक है, अगर हम बात करें इस चार्ट की तो एक टेबल यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपको परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गिवन है। क्या गिवन है? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गिवन है। अब देखिए, आपको पता है कि जो टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर मैं बात करूं टोटल की गर्ल्स और बॉयज मिला के, तो ऑफकोर्स 100% होंगे, 100% होंगे। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गिवन है और मैं आपसे कहूँ कि बताइए परसेंटेज ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो आप इजीली क्या करेंगे कि आप क्या कीजिए कि इस 100 में से 28 को माइनस कर दीजिए, आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। सेम एज इट इज अगर मैं कॉमर्स के लिए निकालूं तो 100 में से 34 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, फिनेंस के लिए निकाले तो 100 में से 35 को माइनस करेंगे, अगर HR के लिए निकाले तो 100 में से 23 को माइनस करेंगे, मैनेजमेंट के लिए निकाले तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे, R&D के लिए 100 में से हम क्या करेंगे 40 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और सेम एज इट इज अगर साइंस के निकाले तो हम 100 में से 30 को माइनस कर देंगे। आई होप इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ बॉयज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इस पाई चार्ट के अंदर आप सभी को पता है कि टोटल 100% होगा ये कंप्लीट। इस 100% कंप्लीट की वैल्यू आपको 6000 गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, तो लेंदी ना हो इसलिए अगर हमें आर्ट्स की पर्टिकुलर परसेंटेज निकालने तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 60 × 20 कर देंगे, कॉमर्स की निकालिए तो 60 × 15 कर देंगे, फिनेंस की निकालिए तो 60 × 18 कर देंगे, HR निकालना तो 60 × 10 डायरेक्ट हो जाएगा, और मैनेजमेंट निकालना तो 60 × 12 हो जाएगा, R&D के लिए 60 × 12 हो जाएगा, और साइंस के लिए अगेन 60 × 13 हो जाएगा।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको ऐसे निकालते कि 6000 है उसका 20% निकालते, उसके बाद आप 00 को माइनस करते तो भी तो आपको 60×20 मिलता। क्लियर है गाइस? इससे क्या होगा, आपकी जो थोड़ा सा लेंदीनेस है वो कम हो जाएगी। 6000 एक देखेंगे, एक 60 देखेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, और आप यहाँ पर इसको सोल्व मत करना अभी, क्योंकि उससे क्या होगा कि अभी तो यहाँ पे 6000 है हा? अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो आपके लिए लेंदी हो जाता, तो आप इसको सोल्व मत करना। हम इसको वन बाय वन जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम यूज करते रहेंगे और सोल्व करते रहेंगे। आपको बस इतना समझना चाहिए, आना चाहिए अब तक कि टोटल स्कॉलर जो है वो कैसे निकलेंगे और गर्ल्स से बॉयज कैसे निकलेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आगे के क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे। चलिए, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्कॉलर इन आर्ट्स डिसिप्लिन इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल स्कॉलर इन साइंस। ओके, आपको यहाँ पर दो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ गर्ल्स स्कॉलर इन आर्ट्स डिसिप्लिन, ठीक है, आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर दीजिए। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि आर्ट्स के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने से पहले आपको टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स डिसिप्लिन के अंदर कितने स्कॉलर है आपको ये निकालना होगा। तो आपको बताया मैंने कि यहाँ पे टोटल निकालने अब डायरेक्ट 60×20 कर देंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, 60×20 आपके टोटल आ गया। इस टोटल में से आपको गर्ल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम गए आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर हमने देखा यहाँ पे 28% कितना है, 28% है गर्ल्स, तो हमने क्या किया इसका 28% ले लिया। 00 से 00 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 12×28 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 12 की टेबल आती है तो वैलन कोड है, नहीं आती है तो आप मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं। 12×8=96, 6 यहाँ पर 9 कैरी लगा, 12×2=24 और 9 आपका हो जाएगा 336। तो यहाँ पर आपको ये 336 मिल गया। सेम एज इट इज आगे चले, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मेल स्कॉलर इन साइंस। तो नंबर ऑफ मेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर निकालने पड़ेंगे साइंस के अंदर। हम गए साइंस, यहाँ पर है साइंस का कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर हो जाएंगे 60×13 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको देखिए मेल निकालना है, हम यहाँ पर साइंस में गए, हमने देखा साइंस में यहाँ पे गर्ल्स 30 गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें तो बॉयज चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100 में से माइनस 30 कर देंगे, तो 70% जो है वो आपको नंबर ऑफ क्या गए, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज आ गए। तो हम क्या करेंगे इस टोटल का 70% निकाल लेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो गई, आपको 13×7=91×6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 6×1=6 और 6×9=546 आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू यहाँ पे मिल गई, वन वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। अब आपसे पूछा गया है कि जो आर्ट्स डिसिप्लिन है वो कितना परसेंट कम या ज्यादा है किससे, इस साइंस डिसिप्लिन वाले मेल से। अब आप जब इन दोनों वैल्यू को ध्यान से कंसीडर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो 336 है वो कम है, है ना, कम है किससे, 5, 4, 6 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के परसेंटेज को हमें निकाला, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 5, 4, 6 - 3, 3, 6 अपॉन में। अब देखिए ये अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो कम है तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से जो ज़्यादा वाली वैल्यू होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, 5, 4, 6 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्लियर है? आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 210 अपॉन में यहाँ पे 5, 4, 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। आप इसको सोल्व आउट इजीली कर सकते हैं और आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, क्या करेंगे आप, 3 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3×1=3 यहाँ पे 182 आ जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे इसको 7 से कर लीजिए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 से आप इसको करेंगे तो आपको 26 मिल जाएगा। आप इसको 2 की हेल्प से भी कर सकते हैं, 2 से आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा और 2 से आपको यहाँ पे 13 मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, 500 अपॉन आपको 13 मिल जाएगा। अब आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 समथिंग जाएगा, देन उसके बाद आपको 8 समथिंग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ये कितना परसेंट मोर और लेस देन है। ठीक है, जब कभी भी जो पूछा गया है वो वैल्यू कम है तो हम ज्यादा वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे और जो वैल्यू हमसे पूछी गई है वो वैल्यू ज्यादा है तो हम कम वाली वैल्यू को नीचे रखते हैं। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर आपसे गिवन है, सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ करना होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन डिसिप्लिन गिवन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स टू इन ए डिसिप्लिन। आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो नंबर ऑफ बॉयज कौन से डिसिप्लिन के अंदर है, ठीक है। फिर आपको क्या करना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कौन से डिसिप्लिन के अंदर है वो आपको उनका दोनों का रेशियो निकालना है। इसको करने के लिए आपको पर्टिकुलर एक एक डिसिप्लिन के सारे बॉयज की संख्या और सारे गर्ल्स की संख्या को निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मेल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मेल निकालने के लिए हम देखिए, सबसे पहले हम किसके निकालते हैं, आर्ट्स के निकालते हैं। आर्ट्स के लिए हमें टोटल निकालना, तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 28% गर्ल्स हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बॉयज आपसे पूछूं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस 100 में से 28 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा गाइस, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 72, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है 72%, क्लियर है। सेम एज इट इज मैं यहां पर एक और कॉलम बना देती हूँ नंबर ऑफ फीमेल्स के लिए। इसमें भी पर्टिकुलर आर्ट्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 20 आपका टोटल हो जाएगा, और आर्ट्स के अंदर गर्ल्स कितनी है, 28%, तो यहाँ पे आपको 28% निकालना होगा, क्लियर है। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 12, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई आपको 72 करना होगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4, 12 2 24 का 4, आपको 2 कैरी बच जाएगा, 12 7 84, और आपको 2 यहाँ पे 86 मिल जाएगा, 864 आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। सेम एज इट इज इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको 12 मिलेगा, 12 मल्टीप्लाई 28 वो जो है वो आपका अभी आपने किया था 336 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्ट्स कंप्लीट हो चुका, अब चलते हैं कॉमर्स की तरफ, ठीक है। आपने सी यहाँ पे लिखा कॉमर्स, कॉमर्स टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर बताइए, कॉमर्स के अंदर जो गर्ल्स है वो 34 है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 34 अगर मैं करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 66% मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 66/100 करेंगे, और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और अब देखिए क्या हो सकता है, 2 से 2 5 जा हो जाएगा, और 2 से 2 3 जा हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 9 को 66 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी कि इसको हम 11 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं, कर सकते हैं, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। और किसी भी डिजिट को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करते हैं, पहली वाली डिजिट यहाँ, दूसरी वाली डिजिट यहाँ, और दोनों को ऐड करके हम बीच में लिख देते हैं, तो 594 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, कॉमर्स का देखेंगे, वो भी किसके अंदर, फीमेल के अंदर। तो 60 मल्टीप्लाई 15 तो आप सेम एज इट इज, और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, आपको मिल जाएगा 34%, ठीक है। यहाँ पर तो सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, सेम एज इट इज पीछे वाली कैलकुलेशन हो जाएगी, 2 से 5 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, और मतलब 5 3 जा हो जाएगा। इट मीन्स आपको इस बार 9 को 34 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 306 आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं फिनेंस की तरफ। अब देखिए हमने देखा फिनेंस के अंदर, फिनेंस के अंदर टोटल 18% है, सेम एज इट इज, 60 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए बॉयज कितने हो जाएंगे, जब 35 जो है 100 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे 65 फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई अपॉन 100 कर देंगे, आप कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 हो जाएगा, 2 से मैं करूंगी तो 2 5 जा हो जाएगा, और 2 से करूंगी 3 हो जाएगा, और 5 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 3 जा 54 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, इक्वल्स टू लगाएंगे तो हम यहाँ पे 702 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्लियर है। अब हमको यहाँ पे सेम
फिनेंस के अंदर हमें गर्ल्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 60 × 18 टोटल हो जाएगा। नंबर ऑफ परसेंटेज गर्ल्स कितना है यहाँ पे, 35% है, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे 35% कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो से फाइव हो जाएगा, दो से तीन हो जाएगा और फाइव सेवन जो आपको 35 मिल जाएगा। यहाँ पे सेम 54 को मल्टीप्लाई करना होगा सेवन से, तो आप कर दीजिए कितना आ जाएगा 378 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है गाइस, थोड़ा लेंदी है बट करना तो होगा। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए, अब हम एचआर के अंदर देख लेते हैं। एचआर के अंदर आपको यहाँ पे गिवन है कितना, देखिए 10% गिवन है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा 60 × 10 हो जाएगा। और अगर हम बात करें बॉयज की, तो देखिए एचआर के अंदर गर्ल्स 23 है, तो अगर हम बॉयज निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 में से 23 को माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पर एचआर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे 77 मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे 77% निकाल लीजिए, 00 से 00 आपकी कैंसिल हो जाएगी, बहुत ही ईजी है ये तो। 77 है तो आप इसको 11 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और 7 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 × 11 इट मीन्स 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 462 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेम एज इट इज आप इसका निकाल लीजिए यहाँ पे एचआर का। अगर गर्ल्स की बात हम करें तो 60 × 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई देखिए एचआर में कितने 23% है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 23/100 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ 6 को 23 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 138। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए न्यू पेज ले लेते हैं, मैनेजमेंट का फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बॉयज की, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ देखेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 12% है, तो 60 × 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो हम मैनेजमेंट में देखेंगे, मैनेजमेंट में गर्ल्स 20% है, तो हम बॉयज निकाल लेंगे, 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, इट मीन्स 80 आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 80/100 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी और 6 को 8 से हम कर सकते हैं, 48 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 576 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम ऐसे ही गर्ल्स को निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल आपके 60 × 12 हो जाएगा। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 20% हो जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 12 से 72 हो जाएगा, 72 × 2 आप करेंगे तो आपको 144 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगेन अब हम क्या करेंगे, साइंस के अंदर निकालेंगे। अब हम साइंस के अंदर गए हम, तो टोटल 60 × साइंस का परसेंटेज टोटल कितना है, 13 है, तो हम 60 × 13 कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए आरएनडी के अंदर, सॉरी सब साइंस का कोई दिक्कत नहीं, साइंस पहले निकाल लेते हैं, साइंस पहले 30 है, तो आपको अगर मैं बात करूं 100 − 30 तो आपको यहाँ पे 70 जो है वो बॉयज़ मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 70/100 कर लेंगे। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 13 × 7 = 91 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इट मीन्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा 546 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे गर्ल्स का निकालेंगे, तो 60 × 13 सेम, और गर्ल्स यहाँ पे कितनी है 30%, तो हम क्या करेंगे 30/100 कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 39 × 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 की टेबल से आपको यहाँ पे 234 यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आपका बच जाएगा आरएनडी के लिए, निकालते हैं अब हम आरएनडी के लिए। अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो आरएनडी के लिए कितना परसेंटेज है, आरएनडी के लिए 12% है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 60 × 12 ठीक है, अब देखिए आरएनडी के लिए 40% गर्ल्स है, तो इसका मतलब 60% जो है वो क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 72 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 432 आ जाएगा। आप ऐसे ही गर्ल्स के लिए निकाल लीजिए 60 × 12 और 40/100 हो जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 72 × 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और यहाँ पे 432 आपको मिल जाएगा, 28 जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये सबसे लेंदी क्वेश्चन था बट इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हो। मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ और हर एक स्टेप मुझे लिखनी पड़ रही है। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था।
क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज आपको बताने थे, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है उनका आपको रेशियो बताना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना था मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स से, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, खुद देखिए इसमें मैक्सिमम क्या है। बॉयज की हम बात करें तो देखिए आर्ट्स के अंदर 864, इसके अंदर 594, इसके अंदर 702, इसके अंदर 462, अगर हम आगे मूव ऑन करें तो 576, 546, 430, इट मीन्स आपको आर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो 864 आर्ट्स के अंदर है ना, यहाँ पर 864, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 864 लिख देते हैं। अगर हम बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से डिसिप्लिन के अंदर है, सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे फिनेंस के अंदर, तो इट मीन्स आपको 864 नंबर ऑफ बॉयज मैक्सिमम मिल गए, रेशियो में 378 आपको ये मिल गया। अब आप इन दोनों को इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, आप इसको 2 से कट कीजिए फिर 3 से कट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 16:7 जो है वो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर ही आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था बट ईजी था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल डिसिप्लिन टुगेदर टू द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल डिसिप्लिन। वेरी गुड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी हम क्वेश्चन 2 में टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना होगा, उनका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमने अभी पीछे पीछे फाइंड आउट करा है, तो हम इनको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो देंगे टोटल नंबर बॉयज ये सब है, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करके इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बॉयज की, तो आर्ट्स के अंदर हमने निकाला था कितने, 864, ठीक है, उसके बाद कॉमर्स के अंदर 594, आप पीछे जाके उनको वापस देख सकते हैं, 702, 462, 576, 432, 546, ठीक है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकले थे, आप इनको ऐड कीजिए, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो थी 336, 306, 378, 138, 144, 288 और 234। अब आपको इनको ऐड करना है, अब आपको पता है एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जितने भी होते हैं उनको ऐड करके कितने नंबर हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे, आप डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, सेम एज इट इज इनको आपको जोड़ना है और बाय 7 करना है। आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया, ये अभी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला है, ये देखिए 864, 594, 702, 462, सेम एज इट इज हम गर्ल्स के लिए भी निकाल चुकी है। अब आप इन सबको आपको क्या करना है, इन सबको यहां पर आपको ऐड करना है और 7 से आपको डिवाइड करना है, तो आपको एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा यहां पे, 6 to 8, 6 आपको मिल जाएगा यहां पे, 6 4176 यहां पे ये मिल जाएगा आपको, सेम एज इट इज आप इसको करेंगे तो 1824 आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, 4176/7 - 1824/7, आपको इन दोनों का क्या निकालना था, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। देखिए डिफरेंस निकालना, आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 7 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 11 में से 8 गया 3 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से जाएगा ये, अगेन 3 से और 6, 336 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइज, तो देखिए कैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन की हेल्प से इस क्वेश्चन को किया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया, टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर इन कॉमर्स साइंस, एंड आप ये पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, एंड द व्हाट परसेंट आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेल जो स्कॉलर है आरएनडी मैनेजमेंट फाइनेंस टुगेदर, ठीक है। तो देखिए गाइज हम कैसे करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ अगर स्कॉलर की बात करें हम, तो आपको पता है कॉमर्स के अंदर आपको निकालना है, कॉमर्स ये रहा, ठीक है, आर्ट्स ये रहा, आर्ट्स ये हो जाएगा एंड साइंस आपका ये हो जाएगा। टोटल निकालने तो हम तीनों को साथ में ऐड कर सकते हैं, इट मीन्स आपका हो जाएगा 13
20 और 15, कितना उसका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2, 3 और 4, 48% हो जाएगा। किसका 48%? 60 का आपको 48% आपको यहाँ पे निकालना है। अगर आप इसको सोल्व करें नहीं करें तो मत कीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ मेल स्कॉलर की बात करें, R&D, मैनेजमेंट और फिनेंस, ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम सब कुछ निकाल चुके, तो आप पीछे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। R&D की हम बात करें तो यहाँ पे 576 आया था, मैनेजमेंट की बात करें तो 432 आया था, ठीक है, और फिनेंस की बात करें तो 702 आया था। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए, 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 16 और 1 17 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100 अपॉन में 1710 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। आपको इसको सोल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर 1 मानेंगे आप, इसको ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए इससे इसको कैंसिल कर देते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में यहाँ पे आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 100 ऑलरेडी चल रहा है, मल्टीप्लाई 1 बाय 1170 ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों जीरो से आपका 100 कम्प्लीटली हो जाएगा और ये आपको बच जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 400/3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसको आप सोल्व करेंगे तो आपको इनका 168.42 आपको परसेंट आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ड्यू टू सम नेचुरल क्लेमिटीज इन USA 80% ऑफ द स्कॉलर्स फ्रॉम मैनेजमेंट लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। ओके फाइन, अप्रोक्सीमेटली वॉट वुड बी द न्यू सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा कॉमर्स स्कॉलर एज पर द करंट अवेलेबिलिटी, हाउएवर नो स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज डिसिप्लिन। ये कह रहा है कि कुछ वजहों से जो मैनेजमेंट के कुछ स्टूडेंट थे, हम बात करते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, मैनेजमेंट के जो 12% थे, अगर हम टोटल की यहाँ पे बात करें 60 मल्टीप्लाई 12%, ठीक है, ये जो है 60 का 12% या 60 मल्टीप्लाई 12 की हम बात करें, इसमें से 80% जो है वो चले गए, ठीक है, और किसी में कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको बताना है कि क्या अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल एंगल हो जाएगा मैनेजमेंट का, ठीक है। तो देख लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई अगर हम 12 करते हैं और इसका 80% आपके चले गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 8, इट मीन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा 576 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब जब 576 चले गए हैं तो आप टोटल कितने बच जाएंगे, अगर हम बात करें टोटल स्कॉलर की तो हम क्या करेंगे, इस 6000 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 576 को, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, 2 और 4 और यहाँ पे 5, ये आपको टोटल स्कॉलर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट विद द न्यू सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा कॉमर्स स्कॉलर का एज पर द न्यू अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका नया जो है वो एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो 60 मल्टीप्लाई जो आपका 12 हो जाएगा अपॉन में 5424 हो जाएगा, और एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 360 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर है। आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, और वीडियोस को पाने के लिए आप हमारी गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स क्यूरीज हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पर भी हम वीडियोस हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहते हैं, न्यूज़ वगैरह, तो आप यू कैन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को। और उसके अलावा बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।